आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 24 के बारे में, साइंस सब्जेक्ट की, क्लास एट्थ की है और आज की डेट क्या है 7/10/2021 है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है और इस कार्य पत्रिका को चालू करने से पहले बच्चों बता दूँ कि लास्ट वीक के विनर का अनाउंसमेंट हमने कर दिया है और अगर आप भी उस तरीके का कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। दो कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, एक वीकली कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए प्लस एक क्विज होती है हमारी संडे को, उसमें पार्टिसिपेट करते हुए ठीक है प्राइज विन कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट के भी इसमें क्या होते हैं मार्क्स होते हैं। साथ ही साथ क्या है, क्राफ्ट का एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप क्राफ्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हम आपको लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाओगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इसके बारे में आज हम करेंगे बात। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं और अर्थ पे क्या है चारों तरफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, सम ऑफ दीज आर यूजफुल, कुछ इसमें से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सम आर हार्मफुल और कुछ बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज एज अ प्रोटेक्ट, ठीक है, विच वी कैन ईट लाइक कर्ड ब्रेड, ठीक है, एंड केक। ठीक है, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्या क्या यूज़ होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे जैसे ब्रेड हो गया, केक हो गया, ठीक है, इन सबको बनाने में क्या करते हैं प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एंड बैक्टीरियाज आर आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, बैक्टीरिया भी चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज इन वेरियस पर्पस, इनका बहुत से पर्पस में यूज़ करा जाता है। दे आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड बैक्टीरिया एल्कोहल केक, ठीक है, दे आर ऑल्सो क्लीन हम द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करता है। ये क्या करता है हमारी एल्कोहल को, कर्ड को, ब्रेड को, ठीक है, और केक को बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, दे डिकम्पोज्ड, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी ऑर्गेनिक सिस्टम्स को डिकम्पोज करता है, जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, रीम्स ऑफ एनिमल्स हो गए यानी कि मरे हुए जानवर हो गए इसके बाद। ठीक है, कीप हेल्थ कीप द अर्थ हेल्थी, जो हमारी पृथ्वी है उसको क्या करती है वो हेल्थी यानी स्वस्थ बनाता है इन सबको डिकम्पोज करकर। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इनका यूज़ किस लिए करा जाता है बैक्टीरिया का, मेडिसिन के यूज़ के लिए भी करा जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्रीकल्चर में भी यूज़ करा जाता है। यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फैक्सिन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की फैक्सिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया बेटा, बेकरी में इसका यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है और नाइट्रोजन फैक्सिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया, चेक योर सर्स में। आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं कि मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, चलिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिख लीजिए, क्या होगा, मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, बहुत से यूनिसेल्युलर होते हैं बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सली, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं मल्टी सेल्युलर भी होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आंसर नंबर वन के रूप में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बेटा अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो बेटा आप एग्जांपल लिख लीजिए इसका, अमीबा, ठीक है, पैरासीनियम, यस्ट, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद बेटा आप इधर लिख लीजिएगा, ठीक है, इफ़ अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये क्या होते हैं बेटा आपके, ये मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है इसको मल्टी सेल्युलर में लिख लेना। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिसेल्युलर का, ठीक है, यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स हो गए, ये हो गया बेटा आपके मल्टी सेल्युलर के। ठीक है, अगर आप चाहो तो वन वर्ड में भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो इस तरीके से स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बेटा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अस विद सुटेबल एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देते हुए यूज़ बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो बेटा इसका क्या है ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूज टू प्रिपेयर, ठीक है, दे आर प्रिपरेशन ऑफ फूड कार्ड हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे आपका, इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। चाहो तो आप ये दोनों लिख लो, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप क्या करना लिख लेना, और दोनों अगर लिखने का मन नहीं हो तो सिर्फ नीचे वाला पॉइंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला यही लिख लेना। ठीक है बेटा, तो वो आप कोई भी लिख देना, आपका ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा।
आगे आपकी कार्य प्रतिक्रिया क्या होती है यहीं पर होती है समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी बेटा कमेंट कर कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कॉन्टेस्ट में अगर क्राफ्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना हो तो क्राफ्ट लिख कर आप बता दीजिएगा क्राफ्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, हम आपको लिंक दे देंगे वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।